हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेस स्टडी 94 में। और दोस्तों मेश, तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले लिखा है ये, देखिए, स्वयं को जीतना पहली और सर्वश्रेष्ठ विजय है। ठीक, स्वयं का मतलब होता खुद को। ठीक है, मतलब कभी कभार होता है ना कि आप जो कुछ कहते हैं उसके बिल्कुल ठीक विपरीत काम करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही तमाम तरह की कमियां आपके अंदर हो सकती हैं। आप छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेट हो जाते हैं, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। परिवार में आपसे किसी प्रकार का होता है ना, एक व्यवहार सही नहीं है, हर व्यक्ति से आप चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही जितने भी अवगुण आपके शरीर के अंदर पल रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें जीतिए। उन्हें किस तरह से मर्यादित करना है, किस तरह से लोगों से पोलाइटली बात करना है, अपने बिहेवियर को किस प्रकार से लोगों के सामने ऐसा बनाना है कि लोग तक कम से कम गालियाँ ना दें। पहले आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं आप उनको जीतिए। उसके बाद आप किसी चीज़ के बारे में अगर आप कहेंगे नहीं ये मुझे करना है, तो ऑटोमेटिक आप उसमें कंटिन्यूटी देंगे और बढ़िया से वो काम कर लेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, सबसे पहले जो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर जो अवगुण पल रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें बाहर फेंकिए और अपनी इच्छाओं को जीतिए, उसके बाद ही कुछ होगा। चलते हैं अब अराजकता को प्रोत्साहन। अराजकता को प्रोत्साहन, पहले इन वाक्यों को देखिए। अराजकता तो जानते ही होंगे कि समाज में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, कुछ लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम आज बात करेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बीते 2 माह से दिया जा रहा जो धरना लाखों लोगों की नाक में दम किए हुए है, यदि खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं तो इसकी एक वजह न्यायपालिका का अति उदार रवैया भी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली शाहीन बाग की वजह से जिस प्रकार से दिल्ली में जो दिल्ली वासी हैं, जो जो शाहीन बाग से जो रास्ता गया है, मतलब लाखों लोग उस पे आवागमन करते हैं, पर किस तरह से पिछले 2 महीने से वो मार्ग बाधित है और जिसका खामियाजा वहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, जिससे दूरियाँ आधे घंटे या 1 घंटे में पूरी हो जाती थी, आज उन्हीं लोगों को वो दूरियाँ अन्य मार्गों से जाने की वजह से 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो वहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, पहले फंडामेंटल राइट्स आप लोग कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए। पहला क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी, जिसे आप कहते हैं समता या समानता का अधिकार। फिर उसके बाद होता है राइट टू फ्रीडम, जिसको आप क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जिसके अब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक, कल्चर का मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपने शायद लिख लिया होगा। ये दोस्तों पहले 7 थे फंडामेंटल राइट्स, बट 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे निकाल दिया गया, उसे अनुच्छेद 301 में रखा गया है। यहाँ शायद शायद नहीं, 100% उसी में रखा गया है। तो दोस्तों अब आते हैं हम राइट टू फ्रीडम। ठीक, हमें आज़ादी है, इसलिए देखिए इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारे जो हमारा देश है उस संविधान के माध्यम से संचालित होता है, तो कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे किस चीज़ का अतिक्रमण किया जा रहा है। अब जब बात आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, तो इसमें देखिए आप जो संविधान हमें कौन सा राइट दिया है। मैं मानता हूँ कि हमें सभा करने का राइट है, हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट इट शुड बी पीसफुली। ये जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है, जी हाँ दोस्तों, आपको अधिकार है कि आप सरकार के द्वारा किसी भी बनाई गई विधि या नियम के विरुद्ध आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर वो शांतिमय होना चाहिए, उससे किसी के अधिकारों का क्या बोलते हैं खंडन नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, समाज के किसी भी अंतिम व्यक्ति को आपके प्रोटेस्ट से किसी प्रकार का फिजिकली
मतलब प्रभाव नहीं होना चाहिए, पर ये आज क्या हो रहा है, 2 महीने से आपने मार्ग बाधित किया है, उसके बाद भी जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है वो किस प्रकार की दलीलें दे रही है, कहीं ना कहीं क्या सुप्रीम कोर्ट भूल चुकी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर मामला जब उच्चतम न्यायालय गया, देखिए घोर निराशा की, पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने धरना दे रहे लोगों को सड़क खाली करने के स्पष्ट निर्देश देने से इनकार किया, फिर मामला जब उच्चतम न्यायालय गया तो उसने धरना दे रहे लोगों को समझाने बुझाने के लिए वार्ताकार नियुक्त कर दिए, ऐसा करके सड़क पर काबिज होकर की जा रही अराजकता को एक तरह से प्रोत्साहित किया गया। क्या जहाँ भी लोग अपनी मांग को लेकर सड़क या फिर रेल मार्ग पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने वार्ताकार भेजेगा? यदि नहीं तो फिर शाहीन बाग के मामले में नई नज़ीर क्यों? समझना कठिन कि जब उच्चतम न्यायालय ने यह माना भी और कहा भी कि इस तरह से रास्ता रोक कर धरना देना अनुचित है, तब फिर उसने शाहीन बाग इलाके को, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क को खाली कराने के आदेश देने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की, जिसका इस्तेमाल प्रतिदिन लाखों लोग करते हैं? यहाँ देखिएगा मित्रों, मोरलिटी की बात मत करिएगा, नैतिकता की बात मत करिएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और हम यहाँ कुछ सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हम संविधान का हवाला देते हैं और संविधान की ही बातें करते हैं, हम नैतिकता की बात नहीं करेंगे। जो हमारे संविधान में लिखा गया कि ये चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, शाहीन बाग में जो 2 महीने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो पीड़िता है उनके प्रति सद्भाव प्रकट करना, स्नेह भाव प्रकट करना, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वी आर स्टूडेंट नॉट अ पॉलिटिशियन, वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यूसेंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, संविधान की बात अब करिएगा। अगर आप संविधान को लेकर चलते हैं तो शाहीन बाग में जो भी कृत्य किया जा रहा है, जो भी अराजकता फैलाई जा रही है, चाहे उनके समर्थन में चाहे उनके खिलाफ, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि इससे किसी तीसरे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पिछले 2 महीने से, पर आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से निर्देश देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 2-3 लोगों को नियुक्त करती है कि जाइए उनसे वार्ताकार करिए, पर ऐसे लोग आपसे बातचीत करें तब न किस प्रकार से उनके साथ वो दंडता मचा रहे हैं, गलत तरीके से तर्क वितर्क दे रहे हैं कि पहले कानून हटा लो तब ऐसा होगा। आज संसद का भी अपमान हो रहा है, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा जब वो अधिनियम पारित हो गया और राष्ट्रपति का मुहर लग गया तो भैया वो कानून बन गया। ऐसे में अगर आप उस कानून को ही अलग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आने दीजिए, आप एमपी का चुनाव करिए अच्छे से, उसके बाद अपनी बातों को प्रमुखता से रखिएगा उसके माध्यम से जो आपका प्रतिनिधित्व करता है, तो आप करिएगा। ऐसे में क्या है कि देश को जहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए विकास के रास्तों के लिए, हम कहीं ना कहीं उसे भटका दिए हैं, शाहीन बाग, जामिया इस्लामिया, जेएनयू, फलाना मुद्दा। ऐसे में क्या है दोस्तों, हम लोगों का ही नुकसान होगा और बहुत बड़ा होगा। इससे दुखद दयनीय कुछ नहीं कि मुट्ठी भर लोग सड़क पर कब्जा करके लाखों नागरिकों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट तत्काल किसी फैसले पर पहुंचने के बजाय तारीख पर तारीख देना पसंद कर रहा है। निस्संदेह ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य से परिचित न हो कि शाहीन बाग की सड़क बंद होने से हर दिन लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही। क्या आधे पौने घंटे की दूरी 3-4 घंटे में तय करने की मजबूर लो लाखों लोगों के समय और श्रम का कोई मूल्य नहीं है? क्या ये लाखों लोग कमतर श्रेणी के नागरिक हैं जो उनका सुध लेने से इनकार किया जा रहा है, और वह भी 2 माह से अधिक समय से? आखिर जब सुप्रीम कोर्ट अनुचित तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास अपने वार्ताकार नहीं भेजता, तब तो फिर उसने शाहीन बाग में लाखों लोगों को तंग कर रहे प्रदर्शनकारियों के पास अपने वार्ताकार क्यों भेजे? हैरत नहीं कि यह वार्ताकार नाकाम है। इस नाकामी की वजह यह है कि धरने पर बैठे लोग एक काल्पनिक भय से ग्रस्त हैं और दूसरे वितर्क की बात सुनने को तैयार नहीं है। काल्पनिक बात की मतलब ये हुआ कि देखिए जो सीएए को लेकर जो मांगे की जा रही हैं, इसमें सीधे सीधे कहा गया जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी अल्पसंख्यक हैं जिन्हें उन देशों के द्वारा पीड़ित किया गया है, ठीक है, उनका एक तरह से शोषण किया गया है, वो अपने मुल्क से हमारे मुल्क में भाग कर आए हैं एज ए रिफ्यूजी, तो उसके प्रति क्या है, हमारा कर्तव्य बनता है हमारी सरकार का कि उनको हम अपने देश की नागरिकता दें, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जब
जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब मुद्दा ये हो रहा है कि हम इन्हीं तीन देशों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो तीन देश हैं ना, सबसे पहली बात अपने देशों में पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री घोषित कर चुके हैं, जो कि न बांग्लादेश में पहले ऐसा था, ना ही आपके पाकिस्तान में ऐसा था। जब 1947 में जब अलग हुआ था पाकिस्तान, तो वहाँ भी लोकतंत्र ही था। बाद में धीरे धीरे 2-3 साल बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सेकुलरिज्म को हटा के डेमोक्रेटिक तो है, सेकुलरिज्म को हटा के शब्द को वहाँ पे स्पेशली क्या किए, इस्लाम को प्रोत्साहित कर दें, जिस वजह से दोस्तों वहाँ की जो माइनॉरिटी थी उसके ऊपर तमाम तरह की हिंसाएं होने लगी। कोई जबरी शादी कर लेता, कोई जबरी मतलब कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे माइनॉरिटी की ये हाल है। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही, तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि जब उन लोगों को हम बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे देश के जो मुसलमान हैं जिन्हें इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो इनके खिलाफ़ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं बसाना है। यही सब बातें हैं। एक बात और, थोड़ा आगे चलते हैं, पीढ़ियों का टकराव, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए लिखा है, इस अपराध का औचित्य किसी भी विधि या तर्क से साबित नहीं किया जा सकता कि कोई पिता किसी भी परिस्थिति में अपनी बेटी की हत्या कर दे। यह जघन्यतम अपराध जिसके अभियुक्त को विधिसम्मत सजा मिलनी चाहिए, लखनऊ की सृष्टि हत्याकांड से इस दृष्टि से भी दिल दहला देने वाला है। किशोरी के पिता खुद पुलिस अधिकारी हैं। सोचिए, एक सृष्टि नाम की लड़की का मर्डर होता है और उसके पिता जो है एक अधिकारी हैं पुलिस में, और अब जो सुराग मिले हैं ये मिले हैं कि कहीं ना कहीं पिताजी बार बार अपनी ब्रिटिश बेटी सृष्टि को समझा रहे थे कि बेटा इस तरह के फ़ोटो मत खींच, बेटा इस तरह के वीडियो अपलोड मत कर सार्वजनिक सोशल प्लेटफॉर्म पर उसकी बेटी बार बार ये काम करती रही, जिस वजह से पिता गुस्से में आकर अपनी बेटी के का हत्यारा निकल गया। तो हम आपको दोस्तों बता दें, आज पूरी दुनिया एक गांव तक सिमट गई है। आपके पास मोबाइल है, आप किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस डांस का, अपने ग्लैमर का लोगों को दिखा सकते हैं। तो गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हर बच्चा आज प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, एक दूसरे का जो चैलेंज वो एक्सेप्ट करना चाहता है, और अपना भी वो करियर बनाना चाहता है। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो गांव से उठ के गए हैं शहरों में, शहरों से विदेशों में गए हैं, और इसी के माध्यम से आज आपको बता दें, टिकटॉक जो है, टिकटॉक अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं, अपने कंटेंट विषय अच्छे रखते हैं, तो दोस्तों मेरी बात मानिए, आप किसी फिल्म स्टार से कम नहीं हैं। सड़कों पर निकलेंगे तो ऐसे ही लोग चिल्लाने लगेंगे आपको देखकर, पर आपके विषय अच्छे होने चाहिए, उम्दा होने चाहिए। ऐसे में जब अभिभावक अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे रहा है, तो पहले तो इसे समझ लेना चाहिए कि इस तरह का जो आपके अंदर ये सारे कृत्य पनप रहे हैं कि नहीं, कोई फोटो देखेगा, वीडियो देखेगा तो क्या होगा, आप अपने इस मानसिकता को दूर कर दीजिए। क्योंकि अब ये जो है कि 1990 या 95 वाला नहीं रह गया, एक बच्चे जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब वो 21वीं सदी का जो बच्चा होगा वो पूरी तरह से इन सारी चीज़ों से स्वतंत्र होगा, और जो आप सोच रहे थे 1955 और 1995 में, उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल कर ये सब करेगा, और ये गलत नहीं है। इस तरह से दोस्तों अपनी बेटी को ही मार देना बहुत गलत है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने पिताजी से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो अगर आप किसी प्रकार का पोस्ट करते हैं टिकटॉक वीडियो लाइक पे, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको एक तरह से नहीं इरिटेट करते हैं, नीच दिखाते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि उनकी जो सोच है, जो उनकी मानसिकता बहुत ही गंदी है, ठीक। ऐसे लोग बस दूसरों में कमियां खोजते हैं, चाहे आपका मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, ऐसे लोगों से आप दूरी बना ले तो ठीक है, बात ही मत करिए, क्योंकि शायद उन्हें उस मूल्य का ज्ञान नहीं है। ट्विटर फेसबुक कितना बड़ा हथियार है उन्हें शायद पता नहीं है। कोई भी पुलिस प्रशासन अगर आपकी बातें नहीं सुन रहा है तो उसको आप यूज़ में लाइए ना। कोई किसी प्रकार का अगर आपके ऊपर हिंसा करता है तो सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए, करोड़ों लोग देखेंगे, रातों रात आप स्टार बन जाएंगे, और जिन लोगों पर हिंसाएं हो रही पर आपने आवाज़ उठाया, उन लोगों के लिए तो आप ईश्वर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो उसका यूज़ समझिए,
ऐसे कोई किसी को कह देता है तो आप ठीक है, जो आपके अंदर जो पल रहा है ना, जो आप बनना चाह रहे हैं, जो बनने की जिद है, उसे आप ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं। कि अरे धूप में क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, पर वो जो लगन, जो मेहनत, जो बनने की कोशिश, वो आप समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए दूसरों के ऊपर ध्यान ही मत दीजिए, सीधे कहिए हटरे, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग बस डिस्टर्ब करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम, चीन के संकट से सहमी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो कल मैंने बनाया था कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से किस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी के आसार नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं किस तरह से दुनिया डरी हुई कोरोना वायरस को लेकर। मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि जो कोरोना वायरस है, ये जानते हैं आशंका क्यों है कि चाइना ने ही बनाया है। मैं मानता हूँ कि भूलवश, गलतीवश जो P4 प्रयोगशाला है वहाँ से निकल के भाग गया है। ये चाइना हमेशा ये गलती करता रहता है कि किसी भी वायरस, किसी भी जीवाणु विषाणु के आनुवंशिक में फेरबदल करता रहता है कि कोई नया जैविक हथियार बना लिया जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए लिखा है दोस्तों, पिछले वर्ष दिसंबर में चीन के वुहान शहर में खतरनाक कोरोना वायरस का प्रकोप फैला और देखते ही देखते हुबेई प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया। हुबेई में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने भी लोगों ने बाहर के देश में यात्राएं की, उन्होंने औरों के बीच संक्रमण फैलाया। इस वायरस का संक्रमण जेलों में फैलने की खबर के बीच चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि अभी इस बीमारी का भयानक रूप आना बाकी है। चीनी सरकार के अनुसार अभी तक करीब 2300 लोगों की मौत हुई है। इस आंकड़े पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि चीन ने इस बीमारी के बारे में समय पर सूचना देने का काम नहीं किया, उल्टे उसने उस चिकित्सक को प्रताड़ित किया जिसने इस खतरनाक वायरस के सक्रिय होने की आशंका जताई थी। जब उस चिकित्सक की मौत हो गई और लोगों को गुस्सा भड़का, तब चीन सरकार होश में आई। माना जा रहा है कि इस वायरस भयंकर वुहान शहर में उस बाजार से जहाँ चमगादड़, सांप जैसे जीवों के मांस की बिक्री होती है। देखिए मतलब ये है कि एक महीने से जिस प्रकार से लोग वहाँ पे मर रहे थे वुहान सिटी में, एक डॉक्टर होता है जो ये बात सार्वजनिक करता है कि यहाँ पे एक खतरनाक वायरस आ गया है, तो ऐसे में जो वहाँ की सरकार उसे प्रताड़ित करती है, बुरी तरह से मारती है और बातों को दबा देती है, तो कहीं ना कहीं आशंका होता है कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आप डॉक्टरों की बात मानते हैं और सही समय पर सही व्यवस्थाएं लाते हैं, तो आज सैकड़ों लोगों की जान आप बचा लेते हैं। पर इसमें भी सरकार ने किस प्रकार की लापरवाही की है आप देख सकते हैं। और जो लोग अंदेशा मान रहे हैं कि यहाँ पे वुहान सिटी में तमाम तकरीबन 135 प्रकार के जीव जंतुओं का मांस खाया जाता है, उसमें सांप है, चमगादड़ है, जो मुख्यतः प्रकट किया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से ये वायरस आया होगा, तो मुझे ये बताइए ये नई चीज़ है क्या? ये तो चाइना वाले बहुत समय से खा रहे हैं इन सब चीज़ों का मांस। पर दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का फेरबदल किया गया है जो लोगों को बताया नहीं जा रहा है। उसके बाद है अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन के इस संदेशों की भी अभी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चीन इसके पहले सॉर्स नामक वायरस की चपेट में आया था, उसने भी सैकड़ों लोग मरे थे। उस दौरान चीन ने आवाजाही पर पाबंदी लगाने के साथ ही अपने को एक तरह से विश्व से काट लिया था। तब चीन आने जाने वाले अधिकतर विमान रुकाएं सेवाएं रोक दी गई थी। इस समय भी यही स्थिति है। आमतौर पर चीन से अपने लोगों को निकालने के लिए ही विमान सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने भी वुहान से अपने नागरिकों की तत्परता से निकालने का सराहनीय काम किया है। पता है आपको, वुहान सिटी में जितने भी हमारे देश के लोग फंसे थे, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारी भारत सरकार ने वहाँ पर चॉपर भेजा, जो भारतीय वायुसेना के जो विशेष दल के जो वायुयान होते हैं, चॉपर होते हैं, भारत सरकार ने जिंदगियाँ बचाने के लिए यहाँ से उन्हें भेजा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कभी कभार ये महसूस होता है कि हमारे देश का अगर एक व्यक्ति भी किसी भी देश में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा अगर प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कुछ लोग क्योंकि मिसाल दे सकते हैं ना भैया कि पाकिस्तान में एक जन फंसे हैं, उनको निकालो, तो सर अन्य देशों के प्रोटोकॉल होते हैं। अब वहाँ क्या है, वहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो फ्री कर दिया गया कि आप इस तरह की चीज़ें अगर है तो आप बचा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। हम तो खुद अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपके यहाँ क्या बचा पाएंगे। इसे ही कहते हैं वैश्विक आपदा। वैश्विक आपदा में सारे देश एक दूसरे
दूसरे देश से जो है, ये मतलब उम्मीद करते हैं कि लोग एक दूसरे से हमारी मदद करें। जैसा कि भारत ने कहा कि अगर चाइना के द्वारा किसी प्रकार मदद मांगी जाएगी तो भारत ज़रूर करेगा। संदिग्ध रोगियों को अलग रखकर उनकी सेहत पर निगाह रखी गई, अब वे स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। यह भी राहतकारी कि केरल में जो 3 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त पाए गए थे वे ठीक हो चुके हैं। और भारतीय डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, किस प्रकार से जो कोरोना से प्रभावित थे केरल के 3 लोग उन्हें भी ठीक कर दिए हैं। कोरोना वायरस जिस तरह पूरी दुनिया के लिए भयावह खतरा बना है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि करीब 25 देशों में इस वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कई देश में वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत होने से आशंका और बढ़ गई। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने की आशंका विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बन गई है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, दुनिया का कारखाना भी है। चीन में बने हर तरह के उत्पाद दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। विश्व के तमाम देश चीन से कच्चा माल और कल पुर्जे भी मांगते हैं। चीन जहाँ तमाम वस्तुओं का निर्यातक भी है, वहीं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद चीन स्थित कारखानों में बनाती हैं, क्योंकि वहाँ का कच्चा माल के साथ ही श्रम भी सस्ता है। कई भारतीय कंपनियां भी कच्चे माल अथवा कलपुर्जे के लिए चीन पर निर्भर हैं। कल के वीडियो में आपको पता होगा, उसे भी देख लीजिएगा। एक और विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कह रहा है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी देशों को तेजी से काम करने की जरूरत है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सरीके संस्थाएँ यह करेंगी, इस वायरस के चलते विश्व अर्थव्यवस्था का बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आज जो चाइना का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, देश के हर गली गली चौराहे पे पहुंच चुका है, तो ऐसे में सारी चीज़ें बाधित हो रही हैं। डिमांड बढ़ रहा है ठीक, पर उन पदार्थों की पूर्ति कौन करेगा? क्योंकि जो देश पूर्ति करता था वो पहले से ही कोरोना वायरस से भयभीत डरा हुआ है, जिस वजह से उसके सारे काम काज मंदे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।